Hello class 4 students, welcome all of you in this online class. So this is Firdaus, I am your math teacher. So today I am going to teach you properties of addition. Properties of addition main aap log ko padhane ja raha hu. So without any further ado, let's start our class. So properties of addition. Okay, so what? According to the properties of addition, there are four properties. Okay, first property in your book you have given, that is when we add zero to any numbers, the sum is the number itself. Means what? Agar aap kisi number ko zero se add karte ho to answer jo aata hai, sum jo aata hai, wo number jisse add kiya tha aapne, wo exact aata hai. यहाँ देखो 23489 को जब मैं ज़ीरो से प्लस कर रहा हूँ तो आपके पास क्या आ रहा है, फिर से आपके पास 23489 ही आता है. तो बच्चों जब भी आप इसको ऐड करोगे है ना, सेम टू सेम आपका देगा. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सो क्या है, जब भी आप किसी नंबर को लेट्स 2345 प्लस ज़ीरो करोगे तो 2345 आ जाएगा, या फिर जीरो से अगर आप 2345 किसी को ऐड करोगे तो वही आपका एग्जैक्ट नंबर आ जाएगा. ये प्रॉपर्टी वन था. प्रॉपर्टी टू के अकॉर्डिंग क्या है, व्हेन वी ऐड टू एनी नंबर्स वी गेट द नेक्स्ट नंबर. जब भी आप किसी नंबर में एक ऐड करोगे, वन ऐड करोगे, तो 5 + 1 = 6, 5 का नेक्स्ट नंबर देगा है ना, तो 5 का नेक्स्ट नंबर देगा वो, जब भी आप किसी को ऐड करोगे तो वन से. तो अभी आपको 2456 में प्लस वन करोगे तो इसके बाद वाला ने सक्सेसर देगा 2457 देगा. ठीक है बच्चों, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यू हैव, दैट इज प्रॉपर्टी थ्री. दिस इज नॉन एज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इफ द ऑर्डर ऑफ ए टू नंबर्स टू बी एडेड इज चेंज्ड, मीन्स व्हाट, अगर आप, मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ, अगर आप 9 + 3 को ऐड कर रहे हो तो आपको दे रहा है 12. अब इसके ऑर्डर को चेंज कर दो. इसके ऑर्डर को चेंज करने मतलब फर्स्ट में 9 लिखो और बाद में 3 लिखो फर्स्ट में, बाद में 9 लिखो, तो आपका क्या आ जाएगा 12. सो दीज टू आंसर्स आर इक्वल. सो इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ ए टू नंबर्स इन एडिशन, सिर्फ एडिशन के लिए, ठीक है, क्या बोल रहा है, इफ यू चेंज द ऑर्डर ऑफ ए नंबर इन एडिशन द आंसर विल रिमेन सेम. आंसर क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा. ठीक है बच्चों, तो मैं इसको लिख सकता हूं 9 + 3 = 3 + 9, इज इट ओके. ओके, सो इफ यू हैव गिवेन हियर प्लस 3 एंड 3 हियर एंड हियर प्लस 9, सो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपको कम्युनिटिव लॉ यूज़ करना है इस एक्सरसाइज 3.4 को फिलअप करने के लिए. ठीक है, बहुत ही आसान प्रॉपर्टी. ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ऑर्डर चेंज कर दोगे तो नंबर का ऐड में कोई फर्क नहीं आने वाला. देखो यहाँ पे 24569 + 51330 को ऐड करके इतना आ रहा है, फिर जब आप इसके ऑर्डर को चेंज कर दो, यानी कि ये फर्स्ट में कर दो, ये सेकेंड में कर दो, फिर भी ये आ रहा है, तो सेम टू सेम है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं. दूसरा जो है आपके पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स व्हाट, इफ द सम ऑफ द थ्री और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज इवन देयर ग्रुपिंग इज चेंज्ड. मतलब क्या बात हो रही है यहाँ पे, 9 + 3 को एक साथ रखना है, प्लस 2 को एक साथ रखना है, तो इसका आंसर आएगा 9 + 3 12 + 2, डैट इज़ 14 आ जाएगा. ग्रुपिंग, पहले मैंने पहले ग्रुप इन दोनों को किया, अब जो मैं ग्रुप करूँगा इन दोनों को मैं ग्रुप करूँगा, तो इन दोनों को ग्रुप करने में कुछ चेंजेस नहीं आएगा आपका. क्या आ जाएगा, तो 9 + 3 + 2 = 14. तो दोनों केस में आपका आंसर क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो ग्रुपिंग करने से भी कुछ फर्क नहीं आता है. ठीक है, तो इसी पे बेस्ड आपका ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.4 जो आपको करना है. फर्स्ट देखो 48156 में जब वन प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 48157. ओके, और जब जीरो प्लस करोगे किसी नंबर में तो एग्जैक्ट वही वाला नंबर आता है 67125. उसके बाद जब आप
यहाँ देखिए 43,719 है यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट साइड में, तो और ये वाला नंबर यहाँ भी दे दिया है RHS में, ठीक है, यही वाला एक ही नंबर, ठीक है, बट यहाँ पे 56,143 है लेकिन यहाँ तो नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी ब्लॉक अगर हम अलट पलट देंगे, ऑर्डर चेंज कर देंगे, तो कुछ फ़र्क नहीं आने वाला है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 56,143, इज इट ओके और नॉट? एंड सी हियर, व्हेन यू ऐड जीरो बाय अ नंबर देन द आंसर विल कम नंबर इटसेल्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही वाला नंबर है, यहाँ पर हो जाएगा 2,59,644 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों क्या हो रहा है, ग्रुपिंग हो रहा है, देखो 3,3,8,5,1,4,1,2,3, देखो यहाँ पे 3,3,8,5,1 है, 4,1,2,3 है, लेकिन ये नंबर मिसिंग है, देखो इक्वल टू के बाद, यानी कि 76,863 होगा। बहुत ही सिंपल है ये, बस आपको ग्रुपिंग करना है इसका। अब यहाँ पे देख लो, है ना, यहाँ पे देखो ये नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे ये नंबर, यानी कि दो नंबर का ग्रुपिंग है, डेट मीन्स ये अलट पलट होने वाला है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 2,4,4,6,8 और ये वाला नंबर यहाँ हो जाएगा। देखो अब हो गया ना, ऑर्डर चेंज हो रहा है, फर्स्ट आपको इन दोनों को ऐड किया, बाद में इस पहले इसको रख के फिर इसको ऐड किया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना, 1,2,3,4,5, 1,2,3,4,6 है, इसमें प्लस 1 करोगे आप, ठीक है, इसके बाद सक्सीडिंग वाला नंबर देगा। यहाँ पे देखो ग्रुपिंग हो रहा है, तो 5,2,3,5 ये वाला दोनों देखो, ये दोनों देखो सेम टू सेम, अगर देखने की कोशिश करोगे लास्ट में है, यहाँ भी है, बट ये तो नहीं है, तीन नंबर का फॉर्म है। तो यहाँ पे आपका 5,2,3,4,3 अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो बहुत ही सिंपल है ये प्रॉपर्टी, और जो मैं एग्ज़ाम लूँगा आपके एग्ज़ाम में, ये मैं दूंगा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आप इसको फिल करो, है ना। तो ये चीज़ है, सो क्लास इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए प्रॉपर्टी, और अच्छे से मैच करने की कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 3.5, विच इज़ बेस्ड ऑन द मिसिंग डिजिट्स। आपको क्या करना है, मिसिंग डिजिट्स फाइंड करना है ना, मिसिंग डिजिट फाइंड करना है। तो इसको मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ओके। सो आप लोग रिविज़न करते रहिए, है ना, तो रिवाइज़ किए करना है आपको अच्छे से, जो मैंने पहले स्टार्टिंग से पढ़ाया, एक्सरसाइज 1.1 से लेके, है ना, रोमन नंबर पढ़ाया मैंने, एडिशन का पढ़ाया, जितना भी प्रॉब्लम है आप इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आपको ज़्यादा बचा नहीं है चैप्टर 3 में, और टू दो टॉपिक बच रहा है आपका, फाइंडिंग अ मिसिंग डिजिट्स एंड वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड सम, है ना, वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड जो सम है वो फाइंड आउट करना है। ओए क्लास, थैंक यू।